दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कारण क्या है उपड़ने का, नलकियाँ क्यों टूटती है नलकियाँ। दोस्तों अगर आपका टायर फ्लैट हो गया ना, तो आपने देखा होगा इस तरह का एक नट कसा हुआ होता है। तो अगर जैसे ही आपका टायर फ्लैट हुआ, पिंचर हुआ, हवा निकल गई, तो सबसे पहले आप इस नट को ना बिल्कुल खोल के अलग कर दीजिए। इस नट को अलग करने से क्या होता है, नलकी अंदर की तरफ चली जाती है और टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 90% रीज़न यही होता है, नट कसा हुआ होता है, इस वजह से नलकियाँ टूटती हैं। उसका रीज़न ये है, जैसे मान लीजिए बिल्कुल हवा निकल गई, नट कसा हुआ है और आप इसे जैसे ही लेके चलेंगे ना, पैदल खींचेंगे, तो टायर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से टीप में खिंचाव होने की वजह से नलकियाँ टूटती हैं। अगर आप ये नट खोल देंगे तो 90% चांस होते हैं टीप की नलकी बचने का। तो दोस्तों ये एक टिप था आपके लिए बहुत। और दोस्तों अब बात करते हैं नलकी रिपेयरिंग की। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आजकल तो रेडी वाली डिस्पोजल टाइप की नलकियाँ आ गई हैं ट्यूब में लगाने के लिए। तो जैसे अभी ये ट्यूब है, तो अभी इसके नलकी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, ये इसमें नलकी लगाना है। दोस्तों ट्यूब की क्वालिटी अच्छी है, ज़्यादा हल्की ट्यूब की क्वालिटी हो तो नलकी रिपेयरिंग मत कीजिए, ट्यूब ही चेंज करा लीजिए, क्योंकि 70 से 80 रुपये का खर्चा इसमें आता है नलकी रिपेयरिंग करने का। हम लोग 50 रुपये लेते हैं, जिसमें 20 रुपये की इसकी नलकी है और 30 रुपये अपनी लेबर। तो सबसे पहले दोस्तों इसको साफ़ करके अच्छी तरह से, इसको रेगमाल से अगर आप घिसेंगे तो बहुत अच्छा है, रेती से अगर आप घिसेंगे तो वन टाइम होती है, एक बार घिस के अगर दोबारा नलकी लीक हो गई तो आप नहीं लगा सकते। इस रेगमाल से अगर आप घिसेंगे तो कितनी बार भी लीक हो जाए आप इसको दोबारा लगा सकते हैं, तो ये फ़र्क होता है। तो इस तरह से ये ट्यूब मैंने रेगमाल से पूरी घिस ली है। घिसने के बाद दोस्तों ये नलकी है, ये ऑटोटैक कंपनी की है, तो ये एक ब्रांड है, तो ज़्यादा हल्की क्वालिटी इस्तेमाल ना करें। 20 रुपये की रेंज में आपको मार्केट से मिल जाती है, तो इसे आप बड़ी आसानी से इसे आप रिपेयर कर सकते हैं। घिसने के बाद बस इसमें स्लोचन इंस्टॉल करना है, मैं JB का स्लोचन या ओमनी यूज़ करता हूँ, अच्छी ब्रांड है दोनों ही। तो ये देखिए ये यहाँ पर स्लोचन इंस्टॉल हुआ, थोड़ा सा इसको सूखने का टाइम देंगे, हल्का सा सूखने के लिए इसको 1 मिनट के आसपास का टाइम दीजिए, 30 सेकंड या 1 मिनट में सूख जाता है इस टाइप का स्लोचन। ब्लैक वाला लगाएंगे तो 5-7 मिनट लगते हैं। तो ये स्लोचन इतने सूख रहा है, इतने हम नलकी के ये पीछे चिपके हुए, इसको कवर को हटा लेते हैं। तो ये दोस्तों कवर हटाने के बाद अब हम नलकी इसकी जो है वो चिपकाएंगे। दोस्तों ज़्यादा हल्की क्वालिटी की ट्यूब हो तो ना चिपकाने की कोशिश करें, ट्यूब ही चेंज करा लें, तो अगले पहिया अगर हो तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है दोस्तों, मुश्किल से बहुत मुश्किल आप लगाओगे तो 2 मिनट लगते हैं, और सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा इसमें कोई इशू भी नहीं है, ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। 20 रुपये की मार्केट से मिल जाती है, 30 रुपये इसमें लेबर लगती है, चाहे तो आप खुद भी इसको चिपका सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ओरिजिनल सीएट की ट्यूब थी, तो ये कस्टमर की नलकी ख़राब हो गई थी, तो इसमें ये देख लीजिए ये नलकी रिपेयर होने के बाद। और दोस्तों इसकी लाइफ है, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं चलती है। बाकी आपको तरीका मैंने बता ही दिया है कि नट का इस्तेमाल ना करें ऊपर, और हो सके तो इस्तेमाल ही ना करें, और अगर नट लगा हुआ है पिंचर हो जाए तो उसको हटा दीजिए। तो दोस्तों ये एक तरीका हुआ नलकी लगाने का। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अपना सपोर्ट बनाने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो अगर वीडियो अच्छी लगती हो। आपका अपना चैनल RS Tyres, धन्यवाद।